टेक्स्ट फाइल्स को निकाल दें सो वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस बहुत ही विजिबल है बहुत ध्यान से देखो स्क्रीन पर दैट यू विल फाइंड कि जो अपने ए सेवन फोर कैमरे के थोड़े बड़े दिख रहे हैं क्यों बड़े दिख रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोल्यूशन सेंसर की जो सेंसर है मेरे दोस्त वो जो वर्ड्स हैं आपको थोड़े बड़े बड़े दिखा रहे हैं सो इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं रेजोल्यूशन की एडवांटेज हायर रेजोल्यूशन सेंसर से बेस हाई हाईसो पे आप खींच रहे हो तो क्या दिख रहा है रेजोल्यूशन के एडवांटेज क्या है ये रेजोल्यूशन की एडवांटेज लॉस्ट हो जाएगी जब आप हायर एस पे जाते हो नहीं ये रहेगी सो दिस इज अ क्लियर कट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ हायर रेजोल्यूशन सेंसर ठीक है तो ये डिफरेंस है आपने कंसिडर करना है कि भैया ये डिफरेंस तो एग्जिस्ट कर ही रही है कि अपना ए सेवन फोर कैमरा थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स निकाल कर दे रहा है कंपेयर टू आर सिक्स मार्क टू कैमरा अब हम जाते हैं हायर आएस रेंज पे फॉर एग्जाम्पल वन जीरो टू फोर जीरो जीरो अब देखो ये दोनों इमेजेस देखने लायक बिल्कुल भी नहीं रहे ठीक है सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द कलर ब्लॉक्स ये टेस्ट में जो कलर ब्लॉक्स हैं उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं अब देखो ये कलर ब्लॉक्स पे भी देखने लायक नहीं तो हम थोड़ा सा डाउन जाते हैं फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड पे जाते हैं ना यू विल सी कि कोई बहुत विजिबल डिफरेंस नहीं है बट यहाँ पर सारे कलर ब्लॉक्स नहीं बट हम कुछ एक कलर ब्लॉक्स फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर रेड कलर ब्लॉक को हम सेलेक्ट करें यू विल सी द कलर्स आर स्लाइटली ओवरलैपिंग फ्रॉम द एजेस ये मेरे पॉइंटर जो है आप इसे देखो यहाँ पर एज से जो अपने रेड कलर ब्लॉक की जो कलर है वो ओवरलैप हो रही है ना ए सेवन फोर में एंड इन द सेम केस यू विल सी द आर सिक्स मार्क टू कैमरे में ऐसी कोई भी ओवरलैपिंग की नहीं है फिर हम इस ब्लू कलर बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जो कलर चेकिंग टूल की जो बॉक्स है यू विल सी द ब्लू कलर इज स्लैटली ओवरलैपिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज नॉट इन द केस ऑफ आर सिक्स मार्क टू कैमरा वाई इज हैपनिंग इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि हमारा ए सेवन फोर कैमरा की जो कलर ब्लॉक्स हैं वो लीक कर रहे हैं ब्लीड कर रहे हैं ओवर लाइफ कर रहे हैं क्या रीज़न है इसके पीछे रीजन ये है बहुत सिंपल है कि एक हाई रेजोल्यूशन की सेंसर है एंड द सेंसर इज नॉट एबल टू प्रिजर्व दैट मच डिटेल दैट इट शुड ठीक है जिसे जितना डिटेल प्रिजर्व करना चाहिए उतना ही डिटेल नहीं प्रिजर्व कर पा रही है प्रॉपर तरीके में तो यूजेबल आए सो रेंज क्या है अपने ए सेवन फोर कैमरे का हम सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड पे जाते हैं तब भी आप देखोगे एक बहुत अच्छी ध्यान लगा कर देखोगे मेथ तो फुल कॉन्सेंट्रेशन ये जो एस्यू है ये सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड से शुरू हो रही है यू कैन सी अलाइड ओवरलैप इन द कलर ये देखो प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए आपको सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड आई एस ओ पे भी नहीं जाना है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड आपको आई एम यूजिंग द जेपे ठीक है आप बहुत हद तक मैनेज हो गए एंड इट्स नॉट विजिबल स्पेसिफिकली सो यूजबल आई एस ओ रेंज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड हायर आई एस सो रेंज की बातें करें इन दोनों कैमरों के बीच में यहाँ पर ये मैं प्रेफर करूंगा फिर आप आर सिक्स मार्क टू कैमरे के साथ जाओ ठीक है एफ एस आई सेंसर है ये है बी एस आई है ये है वो है वो सारी बातें टेक्नोलॉजी वाइज सही है बट जो आँखों से अब जो रिजल्ट दिख रहा है उसके बारे में खुलकर बातें करें हायर आयसों के लिए अनडाउली द आठ सिक्स मार्क टू कैमरा स्लाइटली मोर यूजल ये हो गए इन दोनों कैमरों के बारे में बातें अब हम पिक करते हैं निकॉन का जेड सिक्स मार्क टू कैमरा जिसके बारे में काफ़ी डिमांड आ रही है कि सर जेड सिक्स मार्क टू कैमरे के साथ भी आप एक कंपेरिजन कर लेना सो ना वी हैव दिक्स मार्क टू कैमरा एंड ना बेस आयसों पर आते हैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं क्या टेक्स्ट में कोई डिफ्रेंस है बहुत विजिबल कोई भी बहुत विजिबल डिफरेंस नहीं है दोनों की शार्पनेस की लेवल साइज जो है लगभग एक है सो so, दोनों में 24 फोर की सेंसर है तो कोई भी बहुत बड़ा विजिबल डिफरेंस नहीं है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसमें कोई भी बहुत डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है दिखने वाले लोग नोटिस भी कर लेंगे कि सर आपने बातें नहीं करी तो मैं कर देता हूँ यू कैन क्लियरली सी कि भाई यहाँ पर जो है अपना निकोन का जेड सिक्स मार्क टू कैमरा बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स निकाल कर दे रहा है सर ये देखो बेस आई सौ रेंज में कमेंट्स आ सकते हैं भाई इसीलिए मैं पहले से आपको बता दूँ कि इस स्पेसिफिक जो ड्राइंग सीट है जहाँ पर आपके पेंसिल के जो स्ट्रोक्स हैं जहाँ वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं वहाँ पर निकोन के जेड सिक्स मार्क टू कैमरे की सेंसर काफ़ी अच्छी तरीके से इसे डिकोड कर रही है और दिखा रही है हर एक वर्टिकल स्ट्रोक्स को बट जहां पर हॉर्जेंटल स्ट्रोक्स की बातें आ रही है वहां पर आप देखो कि इस विंडो के अंदर हॉर्जेंटल स्ट्रोक्स सिर्फ करे गए हैं एंड द निकॉन इज नॉट एबल टू दैट हॉर्जेंटल स्ट्रोक्स इन दैट पर्टिकुलर इन साइड द विंडो और यहाँ पर विंडो की जो आपकी फ्रेम है उसमें भी आप देख सकते हो दैट सम हॉर्जेंटल स्ट्रोक्स आर देयर बट द कैमरा इज नॉट एबल टू डिकॉड बट वर्टिकल स्ट्रोक्स को निकॉन अच्छे से डिकॉड कर पा रहे हैं तो कैमरे कैमरे मेकर की प्रॉब्लम है दैट सम आर एवल टू डिकॉट द वर्टिकल स्ट्रोक एंड सम आर एबल टू डिकॉट द हॉरिजेंटल या कोई विनर और लूजर नहीं है ये बात है कि भैया कैमरे जो मेकर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उन्हें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं किस तरह की लो पास फिल्टर की उन्होंने डिज़ाइन करी है जो एक कंपनी जो है वर्डिकल लाइन्स को अलाउ कर रही है रीड करना है हॉर्जेंटल को सो so, ये सारी चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुद्दा है इस पर आप ना दिमाग लगाओ आप ये देखो कि लगभग दोनों सेम ही डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं बेस आयसेंज पे बस हमें इतना जानना समझना है मूविंग विथ टू अ हायर आयसेंज अगर हम वन जीरो सिलेक्ट करते हैं तो भैया देखो दोनों ही यूजेबल उतना नहीं है ठीक है डिटेलिंग्स के मामले में कंफ्यूज नहीं करना लगभग दोनों ही अच्छे तरीके से डिटेल्स कैप्चर करे एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल उसमें को दिमाग मत लगाओ सो द थिंग इज वेरी क्लियर ठीक है आपने ये दोनों कैमरों की कंपेरिजन uh, देख ली नाउ द नेक्स्ट कैमरा आई एम गेटिंग इज द आर सेवन सो वी हैव सेलेक्टेड द आर सेवन ठीक है आर सेवन को हमने सेलेक्ट करा बेस आई पे हम जाते हैं आर के डिटेल्स को पहले देखते हैं, मेजर करते हैं कौन कितने अच्छे तरीके से डिटेल कैप्चर कर रहा है सो अगेन यू कैन सी कि जो R7 की जो टेक्स्ट है वो थोड़ी बड़ी दिख रही कंपेयर टू तो R6 सिक्स मार्क टू कैमरा यानी कि अगर आप स्टूडियो में वर्क करते हो स्टूडियो <coughs> में अगर आप वर्क करते हो सो इट बेटर टू गेट द R7 सेवन क्योंकि एज यू कैन सी हेयर में भी जो डिटेलिंग सारी है लाइनिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्लियर नॉट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है बट जिन्हें लगता है कि उन्हें डिटेल्स को डिक करना है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल निकाल रहा है जस्ट लाइक और ये सेवन फोर कैमरा जिस तरह से थोड़ा ज़्यादा डिटेल निकाल रहे हैं ये भी थोड़ा ज़्यादा निकाल पा रहा है यहाँ पर अब अनडाउटली हम यहाँ पर डायनमिक रेंज की बातें नहीं कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायनमिक रेंज ठीक है आपने ये समझना है कि दिस uh, इज uh, अगर आप स्टूडियो में काम कर रहे हो अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो स्पोर्ट शूटर हो तो आर की रेजोल्यूशन एडवांटेज आपको हेल्प करेगी अगर आप एक ब्राइट कंडीशन में शूट करते हो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन वेरी क्लियर वे दैट वी डू हैव एडवांटेज विद आर सेवन वैन वी कम्पेयर विदू कैमरा अंडर परफेक्ट लाइट कंडीशन यानी कि जब आप एक परफेक्ट लाइट सिनारियो में काम कर रहे हो वेरेबल लाइट कंडीशन में क्या हालात होते हैं आर सेवन के क्योंकि इसमें एक ए पी एस सी सीमा सेंसर लगा है उसके बारे में भी हम थोड़े बहुत देख लेते हैं और यहाँ हायर आई टेस्ट में आप ये देखोगे दैट इफ यू कीप द सेम आई देन ऑफ कोर्स वी डू हैव अ बिग डिफरेंस देन यू विल सी कि भैया अपना जो आर सेवन कैमरा है ना अपना जो आर सिक्स मार्क टू कैमरा है वो लगभग एक से दो स्टॉप आई एम नॉट गोइंग टू से क्लियरली टू स्टॉप बट वन टू टू स्टॉप की इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है इस टेस्ट में खासकर ए Z6 Mark II को, R7 को, इन तीन को तो काफी ज्यादा जो भी रिजल्ट निकल कर आया है क्या आपको लग रहा था परफॉर्म करेगा या आपको R6 Mark II कैमरे से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि भैया आर सिक्स मार्क टू कैमरा थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की आर सिक्स मार्क टू कैमरे की हाईस्टेस्ट आपको कैसी लगी